Two equal glasses of same type are respectively 1/3 and 1/4 full of milk. अब 1/3 1/4 मुझे इस फ्रैक्शन समझ में नहीं आता. सो व्हाट आई विल डू, सी बहुत इजी है मेरे लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना. आई विल टेक टू बिग बिग ग्लासेस, ठीक है. ये दो बिग लस्सी के ग्लासेस हैं. ऐसे लस्सी शायद पंजाब में ऐसी लस्सी मिलती है, कुल्हड़ में पटियाला लस्सी, आई होप सो. ठीक है, तो ये दो ग्लास हैं लस्सी के. अब इसमें क्या है, ये ग्लास क्योंकि 1/3 1/4 फुल ऑफ मिल्क हैं. अच्छा चलो लस्सी के ग्लास नहीं कहूँगा, फिर मैं मिल्क के ग्लास कहूँगा. और इसमें 1/3 1/4 समझ में नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगा, अगर आप डिनोमिनेटर देखोगे 3 और 4 हैं तो दोनों का एलसीएम होता है 12 लीटर. तो मैं मानूंगा कि सपोज ये 12 लीटर का ग्लास है और ये भी 12 लीटर का ग्लास है. इसको समझना अच्छे से, ठीक है. वाई हैव टेकन 12 लीटर ताकि 1/3 आराम से निकल के आ जाए. तो अगर मैं 1/3 निकालूंगा इसमें मिल्क, इसमें मिल्क कितना है, इसमें मिल्क है 1/3 ऑफ 12 लीटर, तो कितना जाएगा 4 लीटर. सपोज इतना आप ले सकते हो 4 लीटर. और इसमें कितना है, इसमें 1/4, इसमें मिल्क कितना है 1/4 ऑफ 12 लीटर, मतलब 3 लीटर. सपोज इतना इतना, सपोज इसमें 4 लीटर मिल्क है, ओके इतना, और सपोज इसमें थोड़ा कम है 3 लीटर मिल्क है, ठीक है ओके. अब आपने क्या करा, दे आर देन फिल्ड अप विथ वाटर. अब इसमें आपने पानी भी मिलाया, तो पानी को मैं दिखाऊंगा ग्रीन से सपोज, ठीक है. अब आपने इसमें पानी मिलाया रिमेनिंग, इसमें आपने ये वाटर मिलाया, ये वाटर है, तो रिमेनिंग ये कितना वाटर हो जाएगा, क्योंकि 12 लीटर का पूरा ग्लास है, ओके इतना बड़ा ग्लास होता नहीं, लेकिन चलो 12 लीटर का ग्लास है, 4 लीटर अगर उसमें मिल्क है तो रिमेनिंग 8 लीटर विल बी वाटर. और इन दिस केस 3 लीटर, सो रिमेनिंग 9 लीटर विल बी वाटर. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द पॉट, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट यू आर डूइंग, दे आर देन फिल्ड अप विद वाटर एंड द कंटेंट आर मिक्सड इन अ पॉट. आपने इसको पहले पानी भरा, फिर आपने दोनों को मिला दिया. तो अब देखो मिल्क का कंटेंट कितना रहेगा, 4 + 3 = 7 लीटर्स विल बी मिल्क एंड 8 + 9 = 17 लीटर्स विल बी वाटर. तो मिल्क, ठीक है, अगर मैं मिल्क का कंटेंट देखूँ, मिल्क का कंटेंट कितना हो जाएगा, मिल्क तो पहले में 4 लीटर था, 4 लीटर प्लस दूसरे में 3 लीटर था, कितना हो गया 7 लीटर्स, ओके. और अगर मैं वाटर का कंटेंट देखूँ तो पहले केस में 8 लीटर, दूसरे केस में 9 लीटर, तो 8 and 9 = 17 लीटर. तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, मिल्क इज टू वाटर रेशियो विल बी 7:17. सो इजी, ओके. ये ग्रीन कलर विजिबल है या नहीं है, ब्लैक से लिख लेता हूँ मैं, 7:17, ओके. मिल्क इज टू वाटर का जो रेशियो आया, दैट इज़ नथिंग बट 7:17. सो सिंपल.